मैंने साबूदाने को 4 घंटे भिगा के रखा था। इसमें एक बॉयल आलू डाला है, 3-4 चम्मच यहाँ पे मैं सिंघाड़े का आटा डालूँगी, 3 चम्मच पीसी हुई फली डालनी है, उसके बाद भुंजा जीरा पाउडर, सेंधा नमक, हरी धनिया और हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे साबूदाने का चीला भी कहते हैं, यह रोटी जैसे बनता है, लेकिन खाने में यह बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, तवा गर्म होने पर थोड़ा सा हमें इसमें तेल डाल के इसे डाल देना है, फिर इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। यह हमारा साबूदाने का चीला रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।